दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने जबरदस्त एक्टिंग से लोगों के दिलों में बसने वाली अभिनेत्री आसिन भले ही आज इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर हों, पर इन्होंने अपने करियर में अपने जबरदस्त अभिनय से न सिर्फ टॉलीवुड में तहलका मचाया बल्कि अपना स्टारडम साउथ इंडस्ट्री में भी बरकरार रखा। पर अपने करियर के पीक पर आते ही इन्होंने बिजनेसमैन राहुल शर्मा के साथ घर बसा लिया और आज दूर हैं। पर क्या आप जानते हैं, बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री से दूर हो चुकी अभिनेत्री आसिन का बॉक्स ऑफिस रिजल्ट कैसा रहा है, इनकी कितनी फिल्में हिट रही तो कितनी फ्लॉप और इनकी कितनी फिल्मों को ब्लॉकबस्टर फिल्मों का टैग मिला। आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देकर आसिन के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही इस बेहतरीन अदाकारा के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर चुकी अभिनेत्री आसिन ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2001 में सत्यन अनिथिक्कड़ की मलयालम फिल्म नरेंद्र मकान जयकंथान वाखा से सहायक अभिनेत्री के तौर पर इंडस्ट्री में कदम रखकर की। भले ही फिल्म में इनका रोल सपोर्टिंग था, पर जिस तरह से इन्होंने अपने इस फिल्म में एक्टिंग का जादू बिखेरा वो इस फिल्म से काफी सक्सेसफुल रही, जिसके चलते इन्हें बैक टू बैक कई तेलुगु फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिनमें सिवाकासी, बेल, वरलारू, शिवमणि जैसी फिल्में शामिल हैं। तेलुगु फिल्मों में सफलता हासिल करने के साथ ही इन्हें बॉलीवुड फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला, जिनमें रेडी, ऑल इज वेल, हाउसफुल 2 जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में काम करने के बाद इन्होंने करियर के पीक पर आते ही साल 2016 में बिजनेसमैन राहुल शर्मा के साथ शादी रचा ली और बॉलीवुड इंडस्ट्री से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। तो इस तरह से देखा जाए तो इनका करियर साल 2001 से लेकर साल 2015 तक रहा, यानी इन बीते 15 सालों में इन्होंने कुल 25 फिल्मों में काम किया। जी हाँ, अभिनेत्री ने इन 15 सालों में कुल 25 फिल्मों में काम किया। जहाँ पहले बात करें इनकी हिट फिल्मों की संख्या की, तो 25 फिल्मों में से इनकी करीब 7 फिल्में हिट रही, जिनमें लक्ष्मी नरसिम्हा, शिवाकाशी, कव्वाला और अनावरम जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। अब बात करते हैं हिट फिल्मों के बाद इनकी सुपरहिट फिल्मों के बारे में। तो इन्होंने 6 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट दी हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बजट के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए काफी अच्छी कमाई की, जिनमें बोल बच्चन, खिलाड़ी 786 और हाउसफुल 2 जैसी फिल्में शामिल हैं। सुपरहिट फिल्मों के बाद बात करते हैं इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की। तो इन्होंने 25 में से 5 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर में काउंट होती हैं, जिनमें एक नाम गजनी का भी शामिल है, जिसने महज एक हफ्ते में ही 200 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया। अब अंत में बात करते हैं इनकी फ्लॉप फिल्मों के बारे में। तो इनकी 21 फिल्मों में से महज 4 फिल्में ही फ्लॉप रही, जिनमें माजा और ऑल इज वेल जैसी फिल्में शामिल हैं और मूल रूप से बजट का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई। वेल दोस्तों, देखा जाए तो आसिन ने जितनी भी फिल्मों में काम किया वो ज्यादातर हिट रही और सुपर हिट भी, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आसिन का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। तो दोस्तों, आपका आसिन के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जानकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।